हेलो एवरीवन, यह क्वेश्चन पेपर अपर प्राइमरी यूपी टीईटी 2018 का है और आज हम इसमें उर्दू के 30 सवाल देखेंगे। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 61 से। उमराव जान अदा किसकी शाहकार तसनीफ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रुसवा। सवाल नंबर 62, गज़ल किस जुबान का लफ्ज़ है? तो इसका आंसर है 2, अरबी। सवाल नंबर 63, बेखतर कूद पड़ा आदि से नमरूद में इश्क, अकल है महवा तमाशाई लब बाम अभी, इस शेर में कौन सी सनद इस्तेमाल हुई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तलमी। सवाल नंबर 64, उर्दू में कसीदा निगारी का जायजा के मुसन्नफ कौन है? तो इसका आंसर है 4, महमूद इलाही। सवाल नंबर 65, ब्रैकेट को उर्दू में क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है कोसीन, ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 66, बिच्छू फूफी किसका अफसाना है? इसका आंसर है 2, अस्मत चगताई। सवाल नंबर 67, सखनदान फारसी के मुसन्नफ हैं? आंसर है 2, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 68, इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है, ये किसका नज़रिया है? तो इसका आंसर है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 69, गरम कोट किसका अफसाना है? तो इसका आंसर है 2, राजेंद्र सिंह बेदी। सवाल नंबर 70, गालिब ने सफ़र कलकत्ता के दौरान किस शहर में क़याम किया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अलाहाबाद। सवाल नंबर 71, कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसानों का मजमुआ है? तो इसका आंसर है 3, पतझड़ की आवाज़। सवाल नंबर 72, तुरानी में कौन सी सिफत है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सिफत नस्बती। सवाल नंबर 73, मुंतज़िर ज़ेल में से इस्म जमा है? तो इसमें ऑप्शन है 3, फौज, आंसर इसका। सवाल नंबर 74, दो बत्ती किसे कहते हैं? इसका ऑप्शन है 2, रुबाई। सवाल नंबर 75, वो नाम जो शायर नज़म में असल नाम की जगह इस्तेमाल करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, तखल्लुस। सवाल नंबर 76, तलाश हक किसकी खुद नोश्त है? इसका आंसर है 4, गांधी जी। इसे दोबारा सुन लीजिए। सवाल नंबर 76, तलाश हक किसकी खुद नोश्त है? इसका आंसर है गांधी जी, ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 77, गज़ल के सबसे खूबसूरत शेर को कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1, बैतुल गज़ल। सवाल नंबर 78, बुलंद खानी का सबसे अहम मकसद है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तलफ़ुज़ दुरुस्त करना। सवाल नंबर 79, असलूब की जमा क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, असलूबियात। सवाल नंबर 80, मुंतज़िर ज़ेल में से कौन सा जुज़ मरसिहा नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गुरेज़। सवाल नंबर 81, उर्दू अदब का पहला नावेल कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मिरातुल उरूस। सवाल नंबर 82, उर्दू शायरी की तनकीद पर पहली किताब कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मुकद्दमा शेरो शायरी। सवाल नंबर 83, मुंतज़िर ज़ेल में से कौन सी किताब अल्लामा इकबाल की नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कलीम अज़्म। सवाल नंबर 84, मुंतज़िर ज़ेल अल्फाज में से कौन सा लफ्ज़ दीवान की जमा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दवाइन। सवाल नंबर 85, 86 जो हैं वो पैराग्राफ बेस्ड हैं, आप
पैराग्राफ देख लीजिए, आप इत्मीनान से इसको पढ़ लीजिएगा, फिर हम आपको सवाल, नीचे सवाल दिए हुए हैं, हम उसके आंसर आपको बता देते हैं। सवाल नंबर 85 है, मौलाना अब आया सवाल नंबर 85 आपके सामने। मौलाना आज़ाद की सियासत की बुनियाद किस नज़रिए पर कायम थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कौमी यकजहती, जो पैराग्राफ में शुरू में ही दिया हुआ है। अब आया सवाल नंबर 86, मौलाना आज़ाद किस चीज़ को मुसलमानों की मिली वक़ार की मुनाफी समझते थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, महकूमी और ग़ुलामी को। सवाल नंबर 87, बारिश होती रही और वो स्कूल जाता रहा, ये किस तरह का जुमला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, माजी इस्तमरारी। अब सवाल नंबर आया 88, लफ्ज़ गुलामी का मुअन्नस बनाइए, तो इसका आंसर है बांधी, ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 89, कसीदे के अजाए तरकीब की सही तरतीब से निशानदेही कीजिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तशबीब, गुरेज, मदा, दुआ और हसन तलब। अब सवाल नंबर 90 आखिरी सवाल है, शायरे मशरक किस शायर का लकब है? ये बहुत आसान सवाल है, अल्लामा इकबाल का है। ये थे हमारे 30 सवाल जो उर्दू सेक्शन के थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।